प्यारे बच्चों, एक और प्रॉब्लम यहाँ पे लेते हैं। वी हैव टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। सबसे पहले नंबर को इनपुट कराने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे और एक लेबल लगा के उस पे लिख देंगे इनपुट ए नंबर कैलकुलेट। और एक यहाँ पे हम बटन लगा लेंगे इवेंट क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे लिख देंगे कैलकुलेट फैक्टोरियल, इसका इवेंट बना लेंगे। यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स की हमें जरूरत होगी कैलकुलेशन करने के लिए। इसमें डेटा हम रखेंगे, तो डिम सबसे पहले एक नंबर लेंगे, नम एज इंटीजर, और इसके अंदर हम उस नंबर को इनपुट करा देंगे। सबसे पहले इक्वल्स टू वैल्यू में कन्वर्ट करते हुए टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, और अब इस नंबर का हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें लूप भी चलाना होगा। तो एक तो हम जिसमें हम वेरिएबल में फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेंगे फैक्ट एज इंटीजर, और एक वेरिएबल लूप चलाने के लिए आई एज इंटीजर। और यहाँ पे हम सीधे सीधे फॉर लूप चला देंगे। और फैक्टोरियल आपको पता होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल। जैसे हम अगर 3 का कैलकुलेट कर रहे हैं तो 3 को डिक्रीमेंट करते हुए उसके बाद जितनी भी संख्या है 1 तक जितनी भी संख्या आएंगी उन सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे 3 का अगर फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 टू जा 6, 1 जा 6, यानी कि 6 आएगा। इसी तरह से किसी भी संख्या का फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर आई इक्वल्स टू 1 टू नम, नम तक जाएंगे और नेक्स्ट कर देंगे आई। फॉर लूप का यहाँ पे समस्या ये है कि ये सिर्फ इंक्रीमेंट वे में चल सकता है, डिक्रीमेंट में नहीं होता है। अगर हमें डिक्रीमेंट करना है तो फिर हमें डू लूप यहाँ पे लगाना होगा। हमने सभी लूप देखे थे डिफरेंट कंस्ट्रक्ट लूप के जो हम यूज कर सकते हैं। तो फॉर लूप सबसे इजी है, इसलिए हम सबसे ज्यादा इसी का यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे फैक्ट को कैलकुलेट करेंगे। नंबर का हमने इनिशियलाइजेशन कर लिया है और फैक्ट का भी हमें इनिशियलाइजेशन 1 पे करना होगा, क्यों? चूंकि हम इसकी मल्टीप्लाई क्योंकि हमें करनी होगी सभी संख्याओं की इसके अंदर, तो मल्टीप्लीकेशन की जो यूनिट वैल्यू है वो 1 है। तो हमें अगर हम सम कर रहे हैं तो यूनिट वैल्यू उसकी 0 है, तो 0 पे इनिशियलाइजेशन करना होता है। और अगर किसी किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन में हम मल्टीप्लीकेशन ज़्यादा कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो उसकी यूनिट वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई आई। आई जो है 1 से चालू कर रहे हैं, मगर नम मान लिया 3 है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इस तरह से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। और यहाँ पे हम लास्ट में प्रिंट कर देंगे प्रिंट जो भी वैल्यू, या फिर हम उसकी जगह पे हम मैसेज बॉक्स लगा सकते हैं मैसेज बॉक्स, और वहाँ पे लिख सकते हैं फैक्टोरियल इक्वल्स टू, और कॉनकैटिनेशन हमें करना होगा, कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर यानी कि एंड लगाएंगे, और यहाँ पे लिख देंगे वेरिएबल का नाम फैक्ट। इस पर रन करके देखते हैं। जैसे हम 3 का की बात कर रहे थे अभी कैलकुलेट करेंगे, तो देखो यहाँ पे फैक्टोरियल 6 आ गया। लूप का एक बार देखें लूप एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे हम अगर हम वैल्यू सारी देखना चाहते हैं आई की, तो यहाँ पे लगा देंगे प्रिंट आई, यानी कि जो जो वैल्यू यहाँ पे आती रहेंगी वो सारी, और यहाँ पे वैल्यू जो है आई की और प्रिंट होती चली जाएंगी। और अगर हम फैक्ट की भी देखना चाहते हैं
में कैसे कैसे वैल्यू चेंज हो रही है, तो प्रिंट फैक्ट भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम रखते हैं 3, तो इस तरह से कुछ वैल्यू चल रही है, तो 1, 2 और 3, लास्ट में 6 हुई वैल्यू। इस तरह से वैल्यू जो है चल रही है, उस हर एक वैल्यू का उसमें मल्टीप्लीकेशन होता हुआ जा रहा है। 1 × 2 × 3, 1 2 1 2 2 एंड 2 3 6, इस तरह से ये वैल्यूज बन रही है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सारे आ रहे हैं इस तरह से जो हम कर रहे हैं। और हम एक आध इसको रन करके देखते हैं, हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं। 5 का फैक्टोरियल अगर कैलकुलेट करें तो देखो 120 आ रहा है यहाँ पे, फैक्टोरियल इक्वल्स टू 120 ये भी आ रहा है। हम यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं कि प्रिंट आई के साथ में एक हम यहाँ पे मैसेज भी डाल दें, आई इक्वल्स टू, क्योंकि वहां पर हमें पता नहीं चल रहा है किस चीज की वैल्यू हम देख रहे हैं। ये डीबगिंग का भी एक तरीका है कि हम जो वेरिएबल्स हैं उनको हम प्रिंट करा के देखें बीच में वेरिएबल किस तरह से हमारा वेरिएबल का डेटा जो है वो चेंज हो रहा है, और उसको प्रिंट करा के देखते हैं, बाद में इसको फिर हम हटा सकते हैं कमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक बार, यहाँ पे हम वेरिएबल 5 देखो कुछ इस तरह से कि फैक्टर इक्वल्स टू 1 और आई इक्वल्स टू 2, फैक्ट इक्वल्स टू चेंज होता जा रहा है, लास्ट में 120 है फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई। तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि वैल्यू जो है हमारी किस तरह से यहाँ पे चेंज हो रही है। बाद में जब हमारी डिबगिंग अच्छी तरह से हो जाए तब हम इनको कमेंट बना सकते हैं। विजुअल बेसिक में कमेंट जो है वो सिंगल कॉट से लगता है, इस तरह से हम सिंगल लाइन कमेंट यहाँ पे लगा सकते हैं सिंगल कोट्स के थ्रू। अब हम जब इसको रन करेंगे तो ये पर्टिकुलरली जो हमारी वैल्यू है 6 का फैक्टोरियल निकालो, देखो अब वो वहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ और यहाँ पे लेकिन फैक्टोरियल 720 कैलकुलेट हो गया। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है।